हाथ में सिलेंडर लिए सर खड़े हैं, इनका परिचय भी लेंगे, लेकिन ये तस्वीर आपको दिखा दूँ, 2014 का यहाँ पर रेट लिखा गया 410 में सिलेंडर मिलता था, और अब 2022 का रेट है 1053 सिलेंडर है। तस्वीर स्मृति ईरानी की भी है साथ। कफन में जेब नहीं होती है, मगर जब मुर्दा वहाँ पे आप जाओगे मरने के बाद, तो वहाँ पर भी लकड़ी पे और कफन के सामान पर भी 18% मोदी जी ने टैक्स लगा दिया है। कि अपनी ही करनी का फल है, नेकियां रुसवाइयां आपके पीछे चलेंगी, आपकी परछाइयां। नमस्कार दोस्तों, मैं सुमित यादव, आप देख रहे हैं जनता जानना चाहती है द सुनामी पर, और इस समय मैं कांग्रेस मुख्यालय में मौजूद हूं दिल्ली में अकबर रोड पर। ये पीछे आप तस्वीर देख रहे होंगे कांग्रेस कार्यकर्ता महंगाई के खिलाफ, ये आंदोलन महंगाई के खिलाफ, बेरोजगारी के खिलाफ, GST के खिलाफ और तमाम वो चीज़ें अग्निवीर के खिलाफ जो लोगों के हित में नज़र नहीं आई उसके खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं। हाथ में सिलेंडर लिए सर खड़े हैं, इनका परिचय भी लेंगे, लेकिन ये तस्वीर आपको दिखा दूँ, 2014 का यहाँ पर रेट लिखा गया 410 में सिलेंडर मिलता था, और अब 2022 का रेट है 1053 सिलेंडर है। तस्वीर स्मृति ईरानी की भी है साथ में, क्योंकि स्मृति ईरानी की वो तस्वीरें हम लोगों ने 2014 में देखी थी, 2013 में देखी थी कि किस तरीके से सिलेंडर हाथ में लिए सड़कों पर स्मृति ईरानी उतर आई थी महंगाई के विरोध में, महंगाई के खिलाफ। लेकिन आज स्मृति ईरानी सदन में हैं, अमेठी से हैं, और लेकिन महंगाई के ऊपर कुछ बोलती हुई नज़र नहीं आती। वो गृहिणी का जो दुख है सिलेंडर महंगा होने पर, उसके ऊपर कुछ बोलती हुई स्मृति ईरानी नज़र नहीं आती। सर से बात करेंगे जी, से पहले तो अपना नाम बताएं, कहाँ से आए हैं? मैं लक्ष्मीचंद, अम्बेडकर नगर से ब्लॉक अध्यक्ष हूँ, वार्ड 80 से। अच्छा, तो बताएं क्या होगा, लगातार प्रदर्शन चल रहे हैं, उत्तर प्रदेश में भी चले, यहाँ पे भी चल रहे हैं। अभी आप, मैं सुन रहा था आप लोग बता रहे थे कि सभी स्टेट में चल रहा है, सभी पूरे देश में चल रहा है, तो क्या होगा इससे, कुछ असर तो पड़ नहीं रहा? नहीं, आप ऐसा महसूस करते हैं अलग बात है, लेकिन हम ऐसा महसूस करते हैं कि राहुल गांधी जी की वजह से, प्रियंका जी की वजह से, अनिल चौधरी की वजह से हमारे दिल्ली में और भारत में बदलाव आ रहा है। हम लोग रिसेटलमेंट कॉलोनियों में रहते हैं, जे कॉलोनियों में रहते हैं, वहाँ के लोग तरह तरह कर रहे हैं, वहाँ के लोग हमसे व्यक्तिगत बातें करते हैं, इसलिए हमें महसूस होता है कि बदलाव आ रहा है। एक बात बताइए, आप अम्बेडकर नगर से यहाँ चले आए, दीपेंद्र हुड्डा को हमने देखा, हरियाणा से दीपेंद्र हुड्डा चले आए, राजस्थान से अशोक गहलोत चले आए, आप कह रहे हैं पूरे देश में प्रदर्शन है, तो अपने अपने प्रदेश को संभालना चाहिए, तो काहे दिल्ली चले आए आप लोग? नहीं, देखिए पार्लियामेंट में भी है और ये पार्लियामेंट के नुमाइंदे हैं, उसने प्रदेश के मुख्यालय को संभालते हैं। मैं जो कहने जा रहा हूं, अगर घर के मुखिया को पुलिस परेशान करे, CBI परेशान करे, तो क्या जो घर के लोग हैं क्या वो शांत बैठे रहेंगे? वो कुछ ना कुछ तो उठा पटक करेंगे भाई। और हमारे राहुल जी, प्रियंका जी, सोनिया जी हमारे कांग्रेस पार्टी का परिवार है, मुखिया हैं, हम उनके लिए आज यहाँ पे सड़कों पे आए हैं, और हम 2 महीने से संघर्ष कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। हम लोग जो है संघर्ष करने से रुकेंगे नहीं, संघर्ष ही हमारा जो है एक नारा होगा, संघर्ष के माध्यम से ही हम लोग जनता में, जनता को जागरूक कर पाएंगे। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि अपनी ही करनी का फल है, नेकियाँ रुसवाइयाँ आपके पीछे चलेंगी, आपकी परछाइयाँ। आदरणीय मोदी जी, आपने जो झूठ बोल के सत्ता को काबिज किया, आपने आपके क्या नाम केजरीवाल जी, जो आपने मोटे मोटे झूठ बोल करके आप दिल्ली में काबिज हो गए, और आज आप अपनी मनमानियां कर रहे हैं, आज अपने अपने मनमानी, अच्छे दिन जो है कुछ ही लोगों के आए, सबके नहीं आए, इसलिए आज हमारे लोग परेशान हैं, हमारी बहन भाई परेशान है, हमारी दिल्ली की जनता परेशान है, हमारी भारत की जनता परेशान है, हम घर में कैसे बैठ सकते हैं? जी सर, क्या आपका नाम है? मेरा नाम शशिपाल है और मैं अम्बेडकर नगर से यहाँ पे आया हूँ। अम्बेडकर नगर से आप भी हैं? जी। तो ये भी देख रहे हैं कि हम लोग काले कपड़े सब लोगों ने पहने हुए, या तो काला रिबन लगाया हुआ है, क्या इसकी वजह? क्योंकि हम महंगाई और बेरोजगारी के खिलाफ आज हल्ला बोल कर रहे हैं। हाँ। और काला रंग आपको पता ही है, ये विरोध का प्रतीक होता है, इसलिए सब लोगों ने काले कपड़े, काले टी शर्ट और काले पट्टे बांधे कि हम इसका विरोध करते हैं, जो देश में GST के द्वारा महंगाई थोपी जा रही है आम लोगों के ऊपर। यहाँ तक कि आपने देखा होगा के कफन पे, यानी कि मरने के बाद भी, वैसे कफन में जेब नहीं होती है, मगर जब मुर्दा वहाँ पे आप जाओगे मरने के बाद, तो वहाँ पर भी लकड़ी पे और कफन के सामान पर भी 18% मोदी जी ने टैक्स लगा दिया है, यानी कि आपको मरने के बाद भी मोदी जी को टैक्स दे के जाना पड़ेगा। इतना बुरा हाल कर दिया है, बाकी चीज़ें आपको पता ही है। आजकल पहले जनता चुप रही, क्योंकि जब तक उनके जो आम रोज़मर्रा की चीज़ें थी उसके ऊपर टैक्स नहीं था। अब आटा 50 रुपये, 60 रुपये, उस पर GST लगा दी है, चावल पे, आपके गेहूं पे,
आपके तेल पे तो पहले से था, दालों पे पहले से था, यहाँ तक के जो बच्चे हमारे देश के जो बच्चे जो बड़े होंगे आज की डेट में कुपोषण की तरफ जा रहे हैं। कारण ये है कि दूध पे भी जीएसटी है, छाछ पे जीएसटी है, पनीर पे भी जीएसटी लगा दिया है। क्या क्या गिनाए आपको, हट बताएं कि कांग्रेस कहीं, क्योंकि हम लोगों ने नतीजे पिछले चुनाव पे देखे, चार राज्यों में और पंजाब में भी सरकार थी चली गई, नतीजे बहुत खराब आए, कांग्रेस कहीं जंजाल में तो नहीं फंस गई है, बीजेपी की चाल में तो नहीं फंस गई, विरोध की राजनीति में तो नहीं फंस गई, सिर्फ विरोध ही हो रहा है, कुछ नतीजे नहीं निकल रहे हैं? नहीं देखो, समय लगता है क्योंकि मोदी जी और केजरीवाल दोनों एक जैसे हैं। जहाँ पे मोदी को लगता है कि बीजेपी नहीं जीतेगी, फॉर एग्जाम्पल, ये बात आप समझा, हाँ समझा रहा हूँ, हम आपको समझा रहे हैं, हम आपके माध्यम से ये मैसेज दे रहे हैं। जैसे बीजेपी को लगा कि पंजाब में हमारा वर्चस्व नहीं है, ना हम जीत सकते हैं, तो वहाँ पे उन्होंने अपनी तरफ से केजरीवाल को आगे कर दिया। और जो सतेंद्र जैन को अभी बंद किया है वो तो बहुत पहले बंद हो जाना चाहिए था। अब पंजाब के इलेक्शन खत्म हो गए, केजरीवाल तो गुजरात में भी जाने चुनाव लड़ने, सुन लीजिए पूरी बात सुन लीजिए, आपको मैं समझा देता हूँ। तो सतेंद्र जी को अब ईडी के द्वारा जेल में डाल दिया, अब नंबर है मनीष सिसोदिया जी का। अभी आपको पता है सीबीआई जांच बैठी थी, शराब जो नीति लेके आए थे केजरीवाल जी, मगर उसमें भी समझौता हो गया है, सिसोदिया जी को बाहर छोड़ दिया है। अब समझौता यही हुआ है, अब वो केजरीवाल जी को बोलेंगे जा बेटा अब तू गुजरात में लड़ और हिमाचल में लड़ और कांग्रेस का वोट काट। तो बीजेपी का भी तो काट सकते हैं, बीजेपी का नहीं काटेगा, बीजेपी का वोट तो अपना, क्यों लगता है आपको कि आम आदमी पार्टी कांग्रेस का ही वोट काटेगी? देखो बीजेपी का एक कैडर वोट है, कांग्रेस का भी एक कैडर वोट है, बट कांग्रेस के साथ जो ज़्यादातर लोग जुड़े हैं वो गरीब आदमी ज़्यादा जुड़ा है, ये शुरू से ही गरीबों की हितैषी पार्टी रही है, आम आदमी पार्टी के साथ जा रहा है, तो गरीब आदमी जल्दी बहकावे में आता है, वो समझ नहीं पाता है कि ये इनके जाल में फंस जाता है, और जब तक समझ पाए तब तक देर हो चुकी होती है। जी सर, आपका क्या नाम है? राहुल कुमार। राहुल जी हाथ में अपना एक बोर्ड लेके खड़े हैं, ये कुछ ग्राफ है और एक मिनट दादा आ रहे हैं आपके पास, जनता बेहाल सरकार माला माल इस पे लिखा हुआ है। सर सरकार तो आप लोगों के ऊपर आरोप लगा रही है कि आप लोगों ने बहुत माला माल हो गए, बहुत बड़ा घोटाला कर लिया, लगातार रैफल घोटाले उन्होंने किए, सारे घोटाले उन्होंने किए हमारे देश में, जितने आपके 70 साल से कांग्रेस ने इस देश को बना दिया। अब बताओ 70 साल में क्या नहीं किया कि कांग्रेस ने सब देश बना दिया। अब ये जब से कांग्रेस सत्ता में आए हैं मोदी जी, कभी नोटबंदी कर रहे हैं, कभी कभी है, क्योंकि अभी गुजरात और हिमाचल के चुनाव आने वाले हैं, जिससे लोगों को गलत मैसेज जाए कि भाई ये तो जो मुद्दा है कब का, 2012 में ख़त्म हो चुका है, कोर्ट से सब कुछ क्लियर हो चुका है। अब 50-50 घंटे हमारे नेता राहुल गांधी जी से इन्होंने पूछताछ की, क्या मिला? कुछ नहीं मिला। फिर सोनिया गांधी से पूछताछ की, तब भी कुछ नहीं मिला। अब इन्होंने ऑफिस पे ताला लगा दिया, वहाँ भी कुछ नहीं मिलना है। ये इस तरह से सिर्फ बहकाने की नीति कर रहे हैं, लोगों को ध्यान भटकाने की नीति को अपनाते हैं। ये बहुत अहम बात है कि जांच तो बहुत सारी हो रही है लेकिन नतीजे नहीं आ रहे हैं, किसी के पास कुछ मिल नहीं रहा है। कई लोगों के ऊपर जाँच हो गई लेकिन खुलासा निकल के खाली लोग परेशान हो रहे हैं, निकल के कुछ सामने आता नहीं है। हाँ दादा क्या कह रहे हैं आप? बेल्डर ठेकेदार किसान है बीजेपी का, वो किसानों को मरवाया और खेती बाड़ी देखा नहीं और खेत में सारा जमीन चौरा कर दिया, दिल्ली यूपी बिहार से चौरा किया, रोड पत्थर बन गया, दाना कहाँ उपजेगा, अनाज मट्टी में, मट्टी कहाँ है? सड़क भी तो जरूरी है, जवाब दो। सड़क तो काम चले बोल सड़क बनेगा, फालतू बिना मतलब का सड़क बना दिया जो कि किसानों के जमीन मारा गया, जनता पर दाना कहाँ अनाज उपजेगा, सवाल का जवाब चाहिए। ठीक है जी, जी सर क्या कह रहे हैं? बोलिए बताएं, ये प्रदर्शन आप कर रहे हैं, क्या नतीजे कुछ तो होने, कई बार कर चुके, कुछ ये नहीं निकल रहे हैं? मोदी जी ने देश को सजवाग दिखाया कि किसानों के दुगनी आय करूंगा, अच्छे दिन आएंगे। अरे भैया आप हमारे पुराने दिन लौटा दो। प्रधानमंत्री आवास तक जाने का आपका कार्यक्रम था, आप बाहर नहीं निकल पा रहे। देश लोकशाही से चलता है, ये सरकार तनाशा हो गई है, इनको पसंद नहीं है, न ये संसद में देखते हैं। इसी हमारे कांग्रेस के, जब नेहरू जी प्रधानमंत्री बने तो 5 गैर कांग्रेसियों को बनाए, इनके पूर्वज श्यामा प्रसाद मुखर्जी को कश्मीर मामलों का मंत्री बनाया, अंबेडकर साहब को बनाया, उसके बाद में जब नरसिंहा राव जी प्रधानमंत्री बने, पूर्ण बहुमत की सरकार थी, जनेवा में जाना था तो किसी कांग्रेसी को नहीं भेजे, अटल बिहारी वाजपेयी को भेजे। स्वर्गीय राजीव गांधी जी जब प्रधानमंत्री थे, उनकी किडनी खराब थी तो उनको बुला करके कहे जे आप सरकारी खर्चा पर जा करके इलाज कराइए। इनके ही नेता अटल जी कहते थे कि सरकारें आएंगी जाएंगी, देश रहना चाहिए, हम आपके विरोधी हैं, मतभेद होना चाहिए, मन देश नहीं झुकने दूंगा, देश नहीं। अरे तो चाइना कैसे ढूक गया भाई गलवान में और अरुणाचल में 5 किलोमीटर ढूक करके गांव बसा लिया,
लद्दाख में गलो बोलने कोई आया नहीं। अरे मोदी जी जो बोलेंगे वो होगा, तनसा तो अपनी कुर्सी देखता है। चलिए ठीक है, तो ये तस्वीर हम लोग आपको दिखा रहे हैं आज कांग्रेस का प्रदर्शन यहाँ पे, महंगाई को लेके, जीएसटी को लेके और तमाम वो मुद्दे देश के, जो तमाम तस्वीरें हम लोग आपको दिखा रहे हैं देश के सभी मुद्दों के खिलाफ, जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार की जो राजनीति है, जो उसके खिलाफ विरोध में यहाँ पे प्रदर्शन चल रहा है। तो फिलहाल ये वीडियो मैं खत्म कर रहा हूँ, आप लोगों से मुलाकात होगी किसी और वीडियो में किसी और जगह से कुछ और लोगों के साथ। तो जुड़े रहे हमारे साथ, देखते रहे द सुनामी, तब तक के नमस्कार, खुश रहें, स्वस्थ रहें।